नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की आपकी एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जिन लोगों ने भी अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहां पर बैंक निफ्टी की वीडियो जो है डेली बेसिस पर मिलेंगी। आपको यहां पर जो है कल के आने वाले ट्रेड मिला करेंगे। हम आपको यहां पर लेवल बताते हैं कि किन लेवल पर ट्रेडिंग करनी है, कहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, कहां से मार्केट जो है नीचे की तरफ जा सकती है। तो हम ये सब एनालिसिस डेली करते हैं और डेली आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए आज कि जो देखिए बैंक निफ्टी में जो हमने आज एक सवेरे जो मूव देखी है, सवेरे जैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई थी तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। ब्रेक होने के बाद देखिए एक बहुत अच्छा 300 पॉइंट जो है हमको डाउनफॉल देखने को मिला और उसके बाद जो है जो मार्केट में जो रिकवरी हुई है वो देखिए 700 से 800 पॉइंट की रिकवरी, बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। मैं उस लॉजिक के बारे में भी बात करूंगा कि वो रिकवरी क्यों हमको देखने को मिली, 700-800 पॉइंट्स की मूव हमें क्यों देखने को मिली। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ओपनिंग की। तो ओपनिंग जो हुई थी वो 25,540 पर हुई थी और जो इसका हाई लगा है वो देखिए 25,890 का लगा है और लो लगा है 25,145 का। क्लोजिंग जो आई है 25,656 रुपये पर आई है। तो चलिए अब मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में लेकर चलता हूं और हम बात करेंगे कल की। हमने जो है जो मैंने कल आपको ये बताया था, ये देखिए कल मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बताई थी। इस ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था कि जैसे आपको ये बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम मेरे लिए जो है ये ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर जो है मैं सेल साइड की तरफ देखूंगा रेदर देन बाय साइड। तो मैंने मतलब जो है सेल साइड ही हमने इसको प्रेफर किया। देखिए यहां पर अगर मैं इसको 5 मिनट का चार्ट अगर लगाऊं तो ये देखिए मैंने यहां पर 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है। तो यहां पर देखिए फाइनली जो है मतलब अगर हम यहां पर देखें तो मैंने आपको जो है टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया था कि जो यहां पर अभी मेन जो निकल के आ रहा है 25,470 का, तो ये हम लेवल जो है ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए 25,470 मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं। चलिए अब ये जो लेवल जो है मैंने आपको बताया था 25,570, तो 25,570 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग आती है मैंने आपको वहां पर सेल करने के लिए बताया था। तो ये हमारा 25,470 का ये लेवल था। तो देखिए यहां पर एक कैंडल क्लोज जरूर हुई, ये देखिए ये अगर देखेंगे कैंडल क्लोज जरूर हुई बट जो है हमारा स्टॉप लॉस जो है यहां पर रखा हुआ था। तो मतलब आराम से मतलब यहां देखिए स्टॉप लॉस भी हमारा हिट नहीं हुआ है। तो सॉरी पहले मैं आपको इसको प्रॉपर लेवल मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद फिर जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए पहले सबसे पहले तो यहां पर एक सपोर्ट जोन था ये 25,470 का। तो ये 25,470 का हमने ये देखिए लेवल अभी ड्रॉ कर लिया है। चलिए अब यहां पर देखिए सवेरे मार्केट ये जो ओपन हुई है, ओपन होने के बाद यहां पर एक छोटी सी सेलिंग देखी गई बट जो है मतलब इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक जरूर किया था बट ये जो 25,470 का यहां पर जो सपोर्ट था यहां से सपोर्ट लेने के बाद फिर एक बार बाउंस बैक किया और बाउंस बैक करने के बाद यहां से फिर सेलिंग आई और वो सेलिंग क्यों आई अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा। डबल टॉप पैटर्न फॉर्म होने के बाद यहां पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी। तो शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल के बाद हमने यहां पर एंट्री ले ली थी जबकि मैंने आपको यहां पर बताया था 25,470 के नीचे जो है हमने यहां पर एंट्री लेनी है बट मेरे को जो है यहां पर कंफर्मेशन मिल चुकी थी सो मैंने अपनी एंट्री यहां पर ले ली थी। अब ये देखिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद 25,470 के नीचे अब यहां देखिए लो कितने का लगा है 25,140 का। तो यहां पर देखिए 330 पॉइंट तो बहुत इजीली आपको यहां पर मिल गए। जैसा मैंने आपको जिन लोगों ने भी कल की वीडियो देखी होगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि उन लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट आज यहां पर बनाया होगा, बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। तो यहां पर देखिए अब मैं देखिए दूसरी बात करूंगा कि अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मार्केट में बाउंस बैक क्यों हुआ, मार्केट में जो है एकदम से इतनी तेजी देखने क्यों मिली। अगर आप लॉजिकली अगर मार्केट को देखते हैं, समझते हैं, डेली चार्ट को अगर देखते हैं तो शायद आपको पता लग चुका होगा। अगर नहीं पता लगा है तो चलिए मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। अब ये देखिए यहां पर ये जो कल की जो ओपनिंग हुई थी 5 मिनट का वो कैंडल देखिए और आज की ये देखिए। अब मैं इसको आपको 15 मिनट के चार्ट में दिखाऊंगा तो मैं आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहां देखिए पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब ये देखिए मैं आपको जो है ब्रश से जो है अब यहां देखिए ये हमारा अगर आप देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट बॉटम लगा हुआ है और यहां पर आज जो है जब मार्केट 25,150 के नियर अबाउट आया तो यहां पर हमारा सेकंड बॉटम बन चुका था। तो ये मार्केट में देखिए ये पैटर्न बना, डबल बॉटम पैटर्न बना। डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद यहां पर एक जो है देखिए एक डोजी कैंडल बनी और उसके बाद दूसरी कैंडल भी डोजी बनी 15 मिनट के चार्ट में। और अब देखिए मैं 5 मिनट के चार्ट में आपको एक बार फिर यहां पर देखिए एक ट्रेंड लाइन भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये देखिए मैं ये ट्रेंड लाइन इस तरह से ये देखिए।
तो यहां पर देखिए कहां कंफर्म हुआ था। देखिए हमने तो अपनी 25,400 की हमने कॉल ली थी 252 रुपए पर, और उस कॉल ने जो हाई लगाया वो लगाया 555 रुपए का। तो हमने देखिए 555 का वो जो हाई लगाया था, तो हमने मतलब प्रॉफिट जो बुकिंग थी वो प्रॉफिट बुकिंग हमने नियर अबाउट 380-390 के लेवल पर करा दी थी। तो अब देखिए यहां पर जो है डबल बॉटम यहां पर बना, डबल बॉटम बनने के बाद यहां पर जब दो हरी ग्रीन कैंडल यहां पर बनी तो हमने फाइनली यहां पर एंट्री ले ली थी। अगर जिसने एंट्री लेनी होती है वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद वो सेफ एंट्री ले सकता है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है ना, एंट्री ट्रेडिंग बहुत सिंपल है अगर आप विद लॉजिकली अगर ट्रेड करते हैं तो। अब देखिए अब मैं 15 मिनट का चार्ट लगाऊंगा और हम प्रेडिक्शन करेंगे कल की मार्केट क्या हो सकती है, कल की मार्केट में किस तरह से मूव हो सकती है कल मार्केट में। सबसे पहले ये मैं ट्रेंड लाइन वगैरह मैं इसको देखिए मैं डिलीट करने जा रहा हूं। और देखिए जो एक चीज और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जो कल का हाई लगा था 25,770 की नियर अबाउट, आज उस हाई को भी जो है मार्केट ने टेस्ट किया है और आज का जो हाई लगा है वो 25,890 का। तो देखिए अब वनडे के चार्ट में हम चलेंगे और देखेंगे कि अब आने वाले टाइम के लिए हमारे पास कौन से इंपोर्टेंट लेवल है। तो अब इसके बाद हमारे पास देखिए 25,950 का लेवल है, 25,950 के बाद हमारे पास जो है 26,200 और 26,400 का लेवल है। अब अगर कल को मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम जो है बाइंग साइड में जाएंगे। 15 मिनट के चार्ट में मैं आपको यहां पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए अब हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं यहां पर इसको डिलीट करूंगा। अब देखिए यहां पर मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूं। अब मार्केट अगर इसके नीचे अगर आपको मिलती है 25,580 के नीचे, 25,580 के नीचे मिलती है तो आप जो है यहां पर सेल साइड का एक ट्रेड बना सकते हैं, आपका टारगेट होगा 25,200, ठीक है। और मार्केट सबसे पहले देखिए यहां पर मार्केट अभी वैसे देखा जाए तो नो ट्रेडिंग जोन में है। अगर आप बाइंग साइड में जाना चाहते हैं तो मार्केट नियर अबाउट अभी नो ट्रेडिंग जोन में है। तो अभी अगर कल को जो है मतलब मार्केट इसके ऊपर निकलती है 25,900 के ऊपर निकलती है तो टारगेट हमारा 26,200 और 26,400 का होगा। और अब मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ करूंगा, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको तीन सिनेरियो यहां पर बताऊंगा, एक जो है फ्लैट ओपनिंग बताऊंगा, एक गैप अप ओपनिंग बताऊंगा और एक गैप डाउन ओपनिंग बताऊंगा। अगर मान लीजिए मार्केट यहां पर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जो है मार्केट अगर नीचे की तरफ चलती है तो आप यहां पर सेल कर सकते हैं और आपका टारगेट होगा ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। और इसके बाद अगर मार्केट आपको गैप डाउन मिलती है, गैप डाउन मिलने का मतलब अगर मार्केट आपको मिलती है 25,400 25,500 के नियर अबाउट, अगर आपको इस ट्रेंड लाइन पर मिलती है तो आप यहां पर क्लियर कट जो है बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर गैप डाउन मैंने आपको बता दिया, गैप डाउन 25,400 25,450 के पास आप जो है बाइंग कर सकते हैं। और गैप अप ओपनिंग मान लीजिए 26,000 पे गैप अप ही हुआ तो हमारा फर्स्ट टारगेट ही 26,000 है, तो वहां पर हमको जो है बाइंग करने का कोई सिनेरियो नहीं रह जाता। अगर 26,000 के ऊपर जो है कोई कैंडल आपको दिखती है, कोई कंफर्मेशन दिखता है, तब वहां पर बाइंग साइड जाएंगे, अदरवाइज जो है हम इसको जो है अवॉइड करेंगे अभी बाइंग साइड के लिए जाना। देखिए आज हमने जो है मतलब 6 ट्रेड लिए थे ऑप्शन के, तो 6 के 6 ट्रेड में हमने प्रॉफिट बनाया और बहुत अच्छा आज हमने प्रॉफिट बनाया। 4 ट्रेड तो ऐसे थे जिसमें हमने 100 प्लस के पॉइंट्स हमने बुक किए और 2 ट्रेड में हमने 50 प्लस का पॉइंट बुक किया। तो देखिए मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूं टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां से जाके आप जो है टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको जो है टाइम टू टाइम मैं अपडेट करते रहता हूं, वहां पर बैंक निफ्टी में अभी कौन सा पैटर्न बन रहा है उसके बारे में बताते रहता हूं, अभी कौन सा ब्रेकआउट होने वाला है, कौन सा ब्रेक डाउन होने वाला है, अभी हम कौन सी कॉल बाइंग करने जा रहे हैं, कौन सी कॉल हमने सेल करी है, ये सारी चीजें मैं जो है टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते रहता हूं। सो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जो है एंजल ब्रोकिंग या अलाइज ब्लू में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको अकाउंट ओपन करने के बाद जो है कंटिन्यू उसमें ट्रेड करना है आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है हमारी पर्सनल कॉल के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपको जो है मेरी पर्सनल कॉल मिलेगी। जो कॉल मैं खुद ट्रेड करता हूं, जो मैं पर्सनली ट्रेड करता हूं, वही कॉल आपको जो है मैं दिया करूंगा। सो अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कल के लिए तैयार रहिए। कल एक्सपायरी डे है तो हम मतलब कोशिश करेंगे, अगर हमको बाइंग साइड के लिए ऊपर की तरफ जाना होगा तो मार्केट बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी, तो हम यहां पर ऑप्शन राइटिंग की भी कोशिश करेंगे। जैसा होगा मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया करूंगा, तो आप जो है टेलीग्राम पे बने रहे। थैंक यू।